मैं इतनी बुरी, क्या हूँ मैं इतनी बुरी, न कर सकी किसी की कदर, क्यों ना विनती किसी की मुझसे, क्या हूँ मैं इतनी बुजदिल, तेवर न देखे जाते किसी के मुझ पे, इसमें मेरा क्या कसूर, न हूँ किसी के जैसी, न बन पाऊंगी किसी के जैसी, न समझ पाया कोई मुझे, न समझ पाएगा कोई मुझे, न हूँ किसी की जैसी, न बन पाऊंगी किसी के जैसी। अकेली हूँ अकेली जाऊंगी, अकेली हूँ अकेली जाऊंगी, कुछ ऐसा नाम कर जाऊंगी जिससे बोलने वालों का मुंह बंद कर जाऊंगी, जिससे बोलने वालों का मुंह बंद कर जाऊंगी, कि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना यूं समझ लो वह जबरदस्ती जिंदा है, वह जबरदस्ती जिंदा है। मैं माँ पे लिखी हुई कुछ पंक्ति आपको सुनाना चाहूंगी। तेरी ममता के सामने किसी की ममता की मोहताज नहीं मैं माँ, तेरी ममता के सामने किसी की ममता की मोहताज नहीं मैं माँ, सलामत रखे तुझे ऐ खुदा तेरे बिन कुछ नहीं मैं माँ। तू ही जन्नत तू ही अमानत तू ही सब कुछ है माँ, तू ही जन्नत तू ही अमानत तू ही सब कुछ है माँ, मेरा संसार है मेरी दुनिया है और तेरे बिन सब कुछ शमशान है माँ, तेरे बिन सब कुछ शमशान है। दुखों की रात है तो क्या हुआ, दुखों की रात है तो क्या हुआ, सुख के दिन भी आएंगे तू सब्र कर मेरी जान, क्योंकि वक्त वक्त की बात है और वक्त सभी का आता है। आज का टॉपिक है हाउ टू बी हैप्पी, हम खुश कैसे रहें। आज की दुनिया में लोग दूसरों को खुश रखते हैं लेकिन वो खुद की खुशी कहीं ना कहीं भूलते जा रहे हैं। एक गरीब और अमीर में बस एक ही कॉमन चीज है कि जितनी अमीर गरीब मतलब खुशी खरीद सकता है उतनी ही गरीब खरीद सकता है। आज मैं आपको कुछ एक 5 पॉइंट दूंगी जिससे कि आप ना खुश हमेशा रह सकते हैं अगर आपने ये बदलाव कर लिए। फर्स्ट है इग्नोर द पीपल हु हर्ट्स यू, उन लोगों को जो आपकी लाइफ में जो निगेटिव पीपल हैं उन लोगों को इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि आप जब भी कुछ अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे होते हैं वो आपको हमेशा डिमोटिवेट करते हैं। मतलब आपको मोटिवेट करने वाले शायद ही बहुत कम लोग मिलेंगे लेकिन डिमोटिवेट करने वाले पल पल पे आपको मिल जाएंगे। सेकंड है लव योरसेल्फ, आप अपनी हर चीज़ से आप प्यार कीजिए। इनफैक्ट मुझे तो अपनी जब मैं रात में सोती हूँ ना तो तकिए से भी प्यार है, मैं दूसरा तकिया नहीं ले सकती। तो अपनी जो अपना सेहत का ध्यान दीजिए और अपनी फैमिली से प्यार कीजिए। और ऐसा होता है कि जो हम लोग उनसे दूसरों से प्यार कर रहे हैं लेकिन जब वो आप जब आपको हर्ट करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, उनसे नफरत करेंगे? आप बताइए, जो आपको हर्ट कर रहे हैं आप उनसे नफरत करेंगे? मेरे अकॉर्डिंग आप उनसे नफरत ना करके आप उनसे दूर हो जाइए और अपने आप को खुश रखने की कोशिश कीजिए। उनकी एक कान से सुनो दूसरी कान से निकाल दो। और तीसरा पॉइंट मैं आपको दूंगी कि जब आप ऐसा लगता है ना कि आपका दिल टूट गया है या बहुत सारे आपकी लाइफ में कुछ गम है तो आप व्यस्त रखिए, अपने आप को अस्त व्यस्त की जगह अपने आप को व्यस्त रखिए जिससे कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके। बहुत सारे ऐसे सपने होते हैं जिन्हें हम पीछे राह में छोड़ते हुए आ रहे होते हैं, ये सोचते हैं कि कल से करेंगे या एक सही टाइम आएगा तब हम करेंगे। तो उस टाइम पे आप कोशिश कीजिए कि जो आपका पैशन है या कोई भी शौक है या कोई भी जिस काम से आप प्यार करते उसे आप करते जाइए। तो ये कुछ टॉपिक है जिससे आप अपने आप को खुश रख सकते हैं। तो लव योर सेल्फ, आगे बढ़ते रहिए और अपने जो मुकाम आपको हासिल करने आप वो करके रहेंगे। कि रिश्ते पौधे जैसे होते हैं जिन्हें वक्त पर वक्त रूपी पानी से न सींचा जाए तो वक्त के साथ मुरझा जाते हैं। धन्यवाद।